चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपका और हमारा जो संपर्क था वो थोड़ा सा छूट सा गया था, लेकिन चलिए फिर आज से आपके लिए बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा का जो वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो वो इंटर के तमाम विद्यार्थी जो इंटर या उससे ऊपर के विद्यार्थी इंटर स्तरीय है, तो मतलब इंटर वाले भी भर सकते हैं या इंटर से ऊपर की जो पढ़ाई कर चुके हैं वो सभी विद्यार्थी है जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 11,000 से ऊपर की बहाली है, तो आप लोगों के लिए शानदार मौका है। इसका सिलेबस एक बार आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए हमसे कि सिलेबस में क्या क्या है, बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो एक जरूरी आवश्यक 50 आपको इसमें रीजनिंग पूछेगा, 50 आपको जीके पूछेगा, 30 आपको पूछेगा साइंस और 20 आपको पूछेगा जाकर मैथ। तो टोटल 150 अंक माने 150 सवाल का परीक्षा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला फिर समझिए, 50 सवाल आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 सवाल जीके के रहेंगे, 30 सवाल साइंस से रहेंगे जिसको जीएस आप कह सकते हैं, और 20 सवाल आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे। तो रीजनिंग और जीके जीएस, रीजनिंग और जीके जीएस मिलाकर आपका हो गया 130 सवाल। तो 130 सवाल आपका अहम भूमिका निभाने वाला है, 20 मैथ भी रहेंगे आपके साथ में। 130 गो हो गया आपका जीके जीएस और 20 गो हो गया मैथ। तो मैथ की भूमिका अहम रहेगी, लेकिन खास आपका इसमें रीजनिंग, जिस विद्यार्थी का जीके जीएस जिस विद्यार्थी का मजबूत होगा वो अपना परचम लहरा सकते हैं इंटर स्तरीय की परीक्षा में। और काफ़ी दिनों के बाद बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 11,000 से ऊपर का बहाली है। तो जो भी विद्यार्थी इंटर से ऊपर की परीक्षा पास कर चुके हैं, इंटर या इंटर से ऊपर की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका रहेगा। तो चलिए, हम लोग आज क्लास भी लेकर आए हैं आपका पॉलिटी का, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हमसे सुन रहे हैं जो हमको जानते हैं, आप 9 से 12 ध्यान दीजिएगा, 9 से 12 तीन घंटे का विशेष क्लास बिहार इंटर स्तरीय का आपको चालू कर दिया जाएगा। इसकी भी सूचना कल के क्लास में आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ते हैं आज पॉलिटी के 20 प्रश्नों के साथ। एक बार फिर से आप तमाम विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार आप लोगों का पहले मुझे मिला था फिर इस बार मिलेगा। कुछ दिनों से हम लोग का संपर्क खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से संपर्क एक साथ जुड़ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो चलिए देखेंगे पहला सवाल क्या कहता है पॉलिटी का आज का। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से लिया गया है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं, वो किस अधिनियम से लिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति लिया गया था। ठीक है, अगला, केंद्रीय विधानसभा को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। केंद्रीय विधानसभा को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। कहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहेंगे, तो 1919 के अधिनियम को कहेंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने में पूछेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। आज का अगला सवाल फिर से, ये केंद्रीय विधानसभा को जो द्विसदनीय कहेगा तो 1919 के अधिनियम, और 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। या क्वेश्चन कह देगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, तो 1919 में। अगला सवाल, केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति दिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1935 केंद्र में लागू किया गया। अब आपसे द्वैध शासन में क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, तो 1919 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन कब आया, 1919 के अधिनियम के तहत। और प्रांत में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्वैध शासन कब आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द्वैध शासन से, आप इसको कन्फर्म ध्यान में रखिएगा।
ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत मतलब गुलाम भारत, जब हमारे ऊपर किसका कब्जा था? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का सब प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना कब गठित हुआ था? 24 मार्च 1946। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का गठन 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन? अलेक्जेंडर क्रिप्स था। और उसके बाद आपसे पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन कितने स्तरीय था? तो त्रिस्तरीय। अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉरेंस इसके मेंबर थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स, याद रखेंगे। और लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पूछेगा कौन? तो लॉरेंस। और क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन? तो क्रिप्स ही। और क्रिप्स मिशन का समय भी याद रखेंगे 23 मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन का समय याद रखेंगे 24 मार्च 1946। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बाद में त्यागपत्र देते हैं, 19 दिसंबर को ही त्यागपत्र दे देते हैं, जिसके कारण अस्थायी अध्यक्ष बने। तो कहेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता किए थे। पहला अधिवेशन भंग हो गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष कला क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जब दूसरा संविधान सभा का बैठक हुआ 9-11 दिसंबर, दो दिन बाद जस्ट, 11 दिसंबर 1946 को, तो जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे उन सभी को सर्वमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया गया। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी के बारे में पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक के बारे में बोले तो 11 दिसंबर 1946 को। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। पूछेगा किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह देगा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। और कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा का तीसरा बैठक था। संविधान सभा का तीसरा बैठक। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दिया? तो 22 जनवरी 1947 को। स्वीकृति कब देते हैं? 22 जनवरी 1947 को। अगर यही उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पूछेगा लागू कब होता है? 26 नवंबर 1949। पेश या प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946, स्वीकृति मिला 22 जनवरी 1947, और लागू पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो हमारे अधिवेशन हुआ तो कुल कितना अधिवेशन हुआ? 12 अधिवेशन। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, जो कि असफल रहा, भंग हो गया था। और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन पूछेगा 24 जनवरी 1950। अब 12 के अध्यक्ष बने थे, 11 एक पहला छोड़कर, जो पहला छोड़कर दूसरा जो राजेंद्र प्रसाद बने, अंतिम तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिर्फ पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया, जो कि भंग भी हो गया था। संविधान निर्माण के में कुल कितना समय लगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संवैधानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया था? तो बी एन राव को। संवैधानिक सलाहकार कौन बने? बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार बने थे।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है संविधान सभा ने उसे कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान स्वीकार कब कर लिया गया, तो 26 नवंबर 1949। या अंगीकृत पूछे, स्वीकार बोले, अंगीकृत बोले या एडॉप्ट बोले, कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को। अब भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। पूर्णतः पूछेगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, पूर्णता नहीं मैंने स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, जनगणमन को 24 जनवरी 1950। जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो प्यारे बच्चों, पॉलिटी से संदर्भ 20 प्रश्नों का हम लोगों ने रिवीजन किया, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जो 50 जीके का प्रश्न आपको बिहार इंटर स्तरीय में पूछा जाएगा, वो तमाम प्रश्न मैं करवाने का प्रयास करूंगा, और वो सब आपके नोटबुक से ही पूछे जाएंगे, ये मैं पूरी विश्वास के साथ आपको कहता हूं, बस आप इसे याद करते हुए चले। रीजनिंग जीके जीएस की समस्या को छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, देखिए रिजल्ट आपका कैसे बिहार इंटर स्तरीय में होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।